तो जी ये प्लेस है जहाँ से खड़े होके गोली चलाई थी, अपनी वॉल है जहाँ पे गोली चला के जो गोली के निशान है वो मार्क कर रखे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं अमृतसर में जलियांवाला बाग, जो कि गोल्डन टेंपल से बहुत ही पास है। तो आइए जानते हैं जलियांवाला बाग की पूरी स्टोरी इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आ गए हैं हम जलियांवाला बाग, तो चलिए चलते हैं अंदर। जलियांवाला बाग की जो स्टोरी है वो 13 अप्रैल 1919 की है। उस टाइम पूरे पंजाब में सभी लोग बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे। तो अमृतसर में जहाँ जलियांवाला बाग है वहाँ पे अनाउंसमेंट करवाया जो वहाँ के लीडर्स थे उस टाइम में उन्होंने, कि 4:30 बजे शाम को जलियांवाला बाग में कोई पब्लिक मीटिंग होगी। तो एक बच्चे के थ्रू पूरे अमृतसर में ये अनाउंसमेंट करवाया कि जलियांवाला बाग पे 4:30 PM पे एक पब्लिक मीटिंग है, तो सबको वहाँ पे आना है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वहाँ पे उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए थे। तो वहाँ जब मीटिंग चल रही थी तो उस टाइम पे जनरल डायर वहाँ आए। उन्होंने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की, कोई भी ऑर्डर नहीं दिया। सीधा जो भी सोल्जर्स वो लेके आए थे, अप्रॉक्स 90 सोल्जर्स वो लेके आए थे, उनको सिर्फ एक ही ऑर्डर दिया, फायर। और जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे वहाँ पे उनको फायर के थ्रू, गोलियों के थ्रू सबको वहीं पे मार दिया। जलियांवाला बाग से बाहर जाने के लिए एक ही वे था, एक ही रास्ता था, तो उसको उन्होंने पूरा ब्लॉक कर रखा था। तो कोई वहाँ से बाहर नहीं जा पाया। तो कई लोगों ने कोशिश की दीवार को कूद के यहाँ से बाहर निकले, तो कई ने कोशिश की कि वहाँ पे जो वेल बना हुआ है, कुआं बना हुआ है, उसमें कूद के अपने देश के लिए सेक्रीफाइस करें। तो ये वो कुएं का क्लिप है, लेकिन वो ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे ग्लास लगा हुआ था। तो जी ये प्लेस है जहाँ से खड़े होके गोली चलाई थी, और गोली कहाँ चलाई थी वहाँ ले जाके आपको वो वॉल भी दिखाते हैं। गोलियां और भी बहुत जगह से चलाई थी, लेकिन कुछ जगह को वहाँ पे हाईलाइट कर रखा है कि यहाँ पे भी खड़े होके गोली चलाई थी। तो ये वॉल है जहाँ पे कुछ गोलियाँ यहाँ पे भी लगी थी, तो वो आज भी मौजूद हैं। उसमें जो भी होल्स हुए थे, अभी उसको दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए उसको बॉक्स के अंदर स्क्वायर बॉक्स वाइट हाईलाइट कर दिया, सो दैट सब यहाँ पे आके देखें। तो जलियांवाला बाग में एक चीज़ ये भी है देखने के लिए, साथ में ही वहाँ पे कुछ गैलरीज बनी हुई हैं जहाँ पे वीडियो के थ्रू पूरा जो भी स्टोरी थी 5 to 6 मंथ्स के अंदर पूरी स्टोरी नरेट होती है। अब चलते हैं हम जलियांवाला बाग से बाहर। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।